हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आप सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे डीमा ब्लॉग्स चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ। सुबह सुबह 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे से काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मैं आज छठ व्रत सही हूँ। आज पहल का दिन है। आज जैसे कल संजय घाटे है, आज बोलते ना खरना है, वही है। आज जाएंगे, रात को पूजा करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं शाम को आज बहुत दिन के बाद शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, टाइम मिलेगा तो। बहुत बहुत ऐसा ऐसा त्यौहार कटती है छठ पूजा, उन लोग के बहुत ढेर सारा। हम 15-20-25 कपड़े लिए हैं, 30 गोले अभी सब सिल लिए, 30 गोले बच्चा है। आज दिन भर में टोटल सिलना है, और दिन में नहीं होगा ना तो रात में सिलेंगे। और घर के भी काम है, जैसे कि पूजा करूंगी तो उस पर प्रसादी भी बनाना पड़ेगा, नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद घर अंगना साफ सुथरा करूंगी। बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों। आज 4 बजे उठे हैं, और एक भी हमें हेल्प कराने वाले नहीं है कोई। एगो हस्बैंड जी है, वो बहुत घमंड में जू रहते हैं और कमाने चल गए, वो तो काम ही नहीं करते घर के। और मैं एक दो लड़की की बुलवाई हूँ हेम करवाने के लिए, ब्लाउज हेम कर रही है बिछाना। पर मैं सीन नहीं दिखाऊंगी इसलिए, क्योंकि मैं बोलती हूँ हर एक वीडियो में, अकेले वीडियो बनाती हूँ, अकेले यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, किसी को नहीं डालती हूँ। इसलिए यूट्यूब पर बोलते हैं ना, यूट्यूब पर आने से बहुत बदनामी होता है, इसलिए बिहार से हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग से ही कहना चाहती हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। एक डिजाइनर ब्लाउज सिली हूँ, एक दो आपको दिखाऊंगी, और जब तक आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। दोस्तों, हमें काम भी रहता है, उसी में हमको टाइम निकाल के कभी कभी रो लेना पड़ता है ना। रोने के भी टाइम चाहिए, रोने के भी वक्त चाहिए। रात को रोने के मेरे पास टाइम नहीं था, सील रही थी कपड़ा, आंसू गिरा रही थी, बेवफाई गाना बजाकर बहुत रो रही थी छठ पूजा में। दोस्तों, मैं कसम से बोल रही हूँ, ऐसे छठ पूजा में हमें ना मम्मी पापा इतना याद आती है, वो कोई से सब रो लेती है माता पिता के बिना। हमको पता नहीं था कि यूट्यूब पर आने से हमें माता पिता भी छोड़ जाएंगे और इतना हमें बुझाएगा। मुझ में सपनों में ना ही सोची थी कि बाप मतारी से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। हकीकत है, हर एक चीज़ मिल सकता है, माता पिता इसे भी देख ही रहता है। बहुत मम्मी की याद आ रही है आज, आज नहीं दिवाली के दिन से बहुत मम्मी की याद आती है, पप्पा के भी। जहाँ तक मैं बता रही हूँ आप लोग के, आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं आज झूठ नहीं बोल रही हूँ, कहे कि छठ पूजा सही हूँ, सच दोस्तों मैं बताती हूँ आप लोग को। मेरी मम्मी और पापा बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। मुझे पता है मेरी मम्मी मेरे के लिए बहुत रोती है, मैं जानती हूँ। मैं कभी बात नहीं करती, पापा जी को फोन करा जो हमारा हमको और हमारे पापा मम्मी को दूर किए हैं ना, ठीक लाइक किए हैं। दुख है इसलिए वीडियो बनाती हूँ, सुख से वीडियो नहीं बनाती हूँ। सब दोस्तों को पता है, पब्लिक लोग को, गांव समाज को जितना तक देखते हैं, लेकिन बता देती हूँ, हमारे पापा और मम्मी से हमें जो दूर किया है ना, अच्छा नहीं किया है। इसलिए सबको दिखाई दे रहा है हमारा दुख, उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा है जो हमें इतना सताते हैं, जिंदगी में दूर रखते हैं। ऐसी भी कहावत है, कभी भी किसी को खुशी देना चाहिए, दुखी नहीं देना चाहिए। इतना हम लोग के दुख देकर उनको क्या मिलेगा, कुछ तो नहीं मिलेगा ना। अभी से कह रही हूँ, अगर वीडियो देखती होगी, क्या देखते होंगे, अच्छा नहीं कर रहे हैं, छठ पूजा कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक ना होगा। ताकि कभी भी अपना बच्चों को माँ से दूर करने वाला करने के हक किसी का नहीं है।
लेकिन अभी हक जताए बैठे हैं। कोई कोई बात नहीं, बहुत औरत ऐसी होती है घमंडिया होती है। अभी हम वीडियो पर नाम नहीं कहेंगे कौन है, लेकिन टाइम आएगा ना दोस्तों तो हम खोल के बताएंगे। सिर्फ आप लोग के हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी सपोर्ट चाहिए। आप लोग कहते होंगे कि झूठ बोले, झूठ अंधीना में बोला जाता है, पवनी त्यौहार में नहीं है, इस दुनिया सब वर्त से बढ़ है छठ पूजा। झूठ नहीं बोलती हूँ, बहुत महसूस करती हूँ अपना माँ को, पता है नींद नहीं आती है कभी कभी हमें, रात में बहुत याद आती है। तो दोस्तों आप लोग के मैं जल्दी से दिखा देती हूँ डिजाइनिंग ब्लाउज, बात करती रह जाऊंगी और ब्लाउज सी रहेंगे, टाइम भी नहीं रहता है ना। आप ही लोग से तो मैं एक दुख के शेयर करती हूँ, मुझे दुख सुनने वाला तो कोई नहीं है, मैं किसी से बोलती भी नहीं, किसी के पास जाती भी नहीं, और वीडियो चलाएगा कोई। अब सिर्फ बच गया हमको एक बाजू सीना, वीडियो नहीं पूरा से दिखाई दे रहा है ब्लाउज का, मतलब सील लेती हूँ तो अभी दिखाऊंगी दोस्तों डिजाइनर ब्लाउज है। टाइम लगता है सीने में, भगवान जी मुझे इतना काय सताते हो, मैंने क्या बिगाड़ी हूँ आपको बताइए ना, काय नहीं बोलते दोस्त, भगवान जी बोलते नहीं। हाय तो यह ब्लाउज खराब हो गया, ज्यादा चिता गया है, रहने देती हूँ। कोई बात नहीं, इस पर सिलाई लगाई थी ना, तुम कहाँ हो, हमें तुमसे बात करने का मन कर रहा है ना बहुत ज्यादा, प्लीज एक गाना है मैं वो गा दूँ क्या। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्या है माँ, हो माँ प्यारी माँ, हो माँ प्यारी माँ, खुशियाँ लाती है। एक आज हम छठ को छठ पूजा के गाना गाएंगे बहुत अच्छा, यही वाला समझ में। देखी लोग देख, देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ कितना मेहनत से ब्लाउज सीली हूँ, डिजाइनर है थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा इसमें अच्छा से। और यहाँ पर ज्यादा ऐसी का अभी बहुत बहुत ज्यादा चलता है, ज्यादा ऐसी नहीं सिलवाती है सब अभी अभी। अच्छा कैमरा भी नहीं हो रहा, कोई कैमरा में नहीं बनती है ना इसलिए। और एक यहाँ है और अभी सब आप लोग देखते होंगे मैं एक भी वीडियो में नहीं हाँ बाजू के ब्लाउज पहनती हूँ, कहे को मुझे अच्छा नहीं लगता है हाफ बाजू की ब्लाउज सिलती हूँ, सिर्फ पहनती नहीं हूँ। तो हम चलते हैं दूसरे ब्लाउज सिलेंगे, इसको पैक करके रख देते हैं, मतलब चलती हूँ कभी कभी तो हमें हिंदी बोलनी नहीं आती।
बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। अभी तो सुबह के 6 बज रही है ना, 4 बजे सिलाई कर रही थी, सोची हूँ अभी बना लेती हूँ। तो मिलते हैं फिर आप लोग से शाम को। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देख कर ही छोड़िएगा, पूरा तो ख़त्म होने वाला है, देखिएगा।